मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो ने राम मंदिर पर धन संग्रह के अभियान पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस वायरल वीडियो में धन संग्रह करने वाली टीम एक नर्सिंग होम के डॉक्टर से जबरदस्ती ज्यादा पैसे मांगते हुए और डॉक्टर को धमकाते हुए साफ नजर आ रही है। इस मामले में डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोगों ने उनसे राम मंदिर के नाम पर 51,000 रुपए की मांग की थी। मना करने पर वो लोग हंगामा करने लगे और धमकी देने लगे थे। जब उनके द्वारा पुलिस बुलाने की बात कही तो मामला बढ़ गया था और मामला बढ़ने पर संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने आकर मामले को खत्म किया। इस घटना के बाद से डॉक्टर कुछ घबराए हुए हैं। इस तरह की घटना होने पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसडी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इसका उन्हें पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि डॉक्टर्स की गर्दन सबसे ज्यादा पतली होती है, इसलिए उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है और एक अच्छा काम होने जा रहा है। इस तरह की मामले नहीं होने चाहिए। दरअसल एक वीडियो आज सुबह से मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी जांच करने पर सामने आया कि ये मुरादाबाद की आशाना कॉलोनी स्थित सुपरमैक्स नर्सिंग होम की है, जिसे डॉक्टर एस के सिंह चलाते हैं। और ये वीडियो शनिवार की बताई जा रही है, जिस समय अस्पताल परिसर में हंगामा चल रहा था, किसी तीमारदार ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दी। इस वीडियो में धन संग्रह करने आए लोग डॉक्टर को धमकी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये शनिवार का जो है मामला है, क्या वीडियो तो पता नहीं, मरीज बहुत सारे थे, किसी ने बना के डाल दिया हो, लेकिन जो है कुछ लोग आए तथाकथित जो है उगाने के लिए, जो भी बीजेपी पार्टी से संबंधित थे, उनमें एक क्षेत्रीय पार्षद भी थे यहाँ के, कि उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय नाम तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने आके कि जो क्या नाम है भाई, बहुत वायलेंस करना कि मैं भाई यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ, रहने नहीं दूंगा। और तो मैंने कहा भाई आप ऐसे कैसे मुझे जो कहना, मैं पाकिस्तान से तो आके रह नहीं रहा हूँ यहाँ, कि आप मुझे जो कहना में रहने नहीं देंगे। मैंने भाई इस देश की नागरिकता है मेरे पास, आप कैसे मुझे जो निकाल देंगे जो। तो इसी चीज़ में बवाल काटते रहे काफ़ी। फिर उसके बाद उनके बड़े पदाधिकारी और लोग आए, उन्होंने मामले को फिर वो करके उनको सॉरी उरी बोल के और जो है मामला निपटा दिया। हमारी तरफ से ही फिर हम भाई हम लोग जो है कोई झगड़ा करने वाले लोग तो है नहीं, कि भाई हमें भीड़ भड़ावे से झगड़ा करना। भाई हमने तो ये कहा कि भाई आप लोग नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे, उस नाम से वो और एग्रेसिव हो गए थे कि बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे कोई इस मामले में कोई आगे वो भी नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई आगे, बस ये है कि आगे के संगठन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जब चंदा स्वेच्छा का होता है, ज़बरदस्ती का नहीं होता। तो जैसे वो आए उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरे पास आए, मैं पेशेंट देख रहा था, मैंने कहा अभी मेरे मैनेजर से आप बात कर लो, उन्होंने ऑनलाइन तो नहीं दे दिया चंदा, तो जो है उन्होंने कि हम मैनेजर से बात करने आए, अकड़ में जो है कि हम डॉक्टर से बात करने आए, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने कि भाई मंदिर के नाम पर चंदा चाहिए, राम जन्मभूमि, 51,000 रुपये चंदा चाहिए। कह रहे हैं हम सामने नीरोन से 21,000 लेकर आए, आपसे 51 लेंगे, आप तो और जो है बड़ी पार्टी हो इस तरह की, कैसी जो है आपका क्या रिएक्शन? नहीं, मेरा रिएक्शन नहीं, ये है कि किसी को इस तरीके से जो है, स्वेच्छा है आदमी की, कितना भी दे हो, लेकिन इस तरीके से जो है किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे और पार्टी की छवि ही धूमिल होगी। हाँ कि मैं देख लूंगा और तुझे परसों तक, इस तरीके की वो वीडियो में है ही, जो आप सामने आपके जो है थ्रेट कौन दे रहे थे, कौन व्यक्ति थ्रेट देने वाला? थ्रेट में इधर का ही है, पास का ही, तो उसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन बताते हैं कि पास में ही उसका घर है। नहीं, हमने तो खैर कोई, जब उनके पदाधिकारी आ गए, उन्होंने फिर कहा नहीं इस मामले को जो है वो करो, तो फिर हमने कोई कंप्लेन नहीं करी, और ना हमारी तरफ से कोई आ गए। परसों का मामला, परसों से हमने कोई जो है वो भी नहीं किया। जो भी किसी मरीज थे, बहुत बहुत दूर से मरीज आए हुए थे, कोई बरेली से था, कोई कहीं से, उन्होंने जो है बना के किसी ने डाल दिया होगा भाई ऐसे, जब देखा होगा तो। आपके यहाँ सीसीटीवी लगे हुए अंदर? हाँ, सीसीटीवी तो लगे हैं। आपने चेक किया होगा? नहीं, मैंने तो नहीं, जो हमारे ओनर हैं इसके बिल्डिंग के, उनके पास है इसके सीसीटीवी, उनके पास ही होगा, हम तो रेंट पे हैं यहाँ। डॉक्टर, मुरादाबाद में राम मंदिर के नाम पर किसी डॉक्टर को थ्रेट का मामला सामने आया है, आप क्या अपील करेंगे और क्या मामला आपकी जानकारी में? देखिए, इसका अंदेशा हमें पहले से भी था और हम तो सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि जो चंदा दिया जाता है
वो सवाब के लिए पुण्य के लिए दिया जाता है, आदमी की अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है, कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से चंदा लेने वाले का हाथ जो है मांगने वाले का हाथ होता है, उसको उसी हिसाब से बात भी करनी चाहिए। लेकिन जो आप देख रहे हैं इस वक्त देश के अंदर, हमारी भारत सरकार यूपी सरकार ई ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन दे रही है। क्या ये चंदा ई ट्रांजैक्शन के जरिए नहीं हो सकता था? क्यों इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाकर और इसको राजनीतिकरण करके चंदे का भी गैर जरूरी फायदा उठाना चाहती है बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी? इसकी हम इसको गलत समझते हैं। ये एक अच्छे काम के लिए चंदा अगर लिया जा रहा है और सवाब की खातिर लिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से पोलाइटली लोगों से लिया जाए, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त भी है, और इसको राजनीतिकरण इसका चंदे का भी ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। अभी एक वीडियो जैसा है, डॉक्टर एस के सिंह, आप भी डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर प्रोफेशन पर इस तरह से जबरदस्ती की जा रही है, 51,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर की गर्दन सबसे पतली होती है, शरीफ लोग होते हैं डॉक्टर लोग, वो पढ़ाई लिखाई से के बाद अपने प्रोफेशन में लग जाते हैं, तो इसलिए गुंडागर्दी उनके साथ की जा रही है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा ले लिया जाए। और कितना लिया जाएगा और कितनी की रसीद दी जाएगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह से शरीफ लोगों के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार करना, ये इस काम के लिए ये किया गया, इसका हम कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं। संघ के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसको कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर ट्रस्ट को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती जोर नहीं होना चाहिए। जो लोग अपनी इच्छा से जितना भी देना चाहते हैं, स्वेच्छा से जो दे रहा है उससे रख लेना चाहिए, क्योंकि जितना टारगेट है मेरे ख्याल से उससे कई गुना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये हमें उम्मीद है। तो क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे कि रामचंद्र जी का नाम भी बदनाम होता है?